हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं भूल भुलैया 3 का रिव्यू। नहीं, हम आज आपके सामने पहला रिएक्शन देंगे अपना, क्योंकि अब तक हमने ये ट्रेलर देखा नहीं है, लेकिन अभी तक हमने रील वगैरह पे देखा है। और तुम ही कर लो, तो चलो तुम ही बोल लो। अरे तो मैं सोच रहा था कि तुम बोलती रहोगे और मैं रिएक्शन करता रहूंगा। ठीक है, तो अब तक मैंने सिर्फ इसका रील पे और वैसे ही नाम सुना था, लेकिन भाई मुझे ऐसा लग रहा है ना कि लोगों से जितना मैंने सुना, इसका ट्रेलर आज या कल में रिलीज हुआ है, ऐसा लग रहा है कि लोग मतलब दिवाली पे कार्तिक आ रहे हैं तो बॉम्ब ही फोड़ देंगे। वैसे भाई मैं क्या ही बताऊं, बस मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं अभी इसको देखने के लिए। तो पहले हम क्या करते हैं, देख ही लेते हैं। चलो नहीं 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 देख तो है, लेकिन मुझे भी कुछ बोलना है। पता है तुम्हें, इतनी बड़ी स्टार कास्ट बताए रहे हैं इसमें, मतलब मैंने भी नहीं देखा अभी, लेकिन बहुत बड़ी स्टार कास्ट बता रहे हैं इसमें यार। देखते हैं अब कौन कौन है। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। स्टार कास्ट तो बहुत बड़ी है ही, साथ में जो वो स्टार कास्ट के अलग अलग कैरेक्टर है ना, वो तो भाई धमाल ही मचाएंगे। मतलब तुमने मुझसे बिना बताए तुमने देख लिया है ना? अभी मैंने देखा नहीं है यार, अभी मैंने छोटी छोटी क्लिप्स देखी है, अभी मुझे पूरा ट्रेलर देखना है आप लोगों के सामने। तो चलो अब रिएक्शन शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं और लास्ट में आपको बताएंगे कि क्या क्या था इसके अंदर। स्टार्ट। रक्तघाट के इतिहास का वो काला सच जहां सिंहासन की लालच में, देख रहे हो पहले ही उसमें क्या सीन दिया है इन्होंने, बीत गई और इस सिंहासन में झुलस रहा अतीत आज भी जिंदा है। अबे ये कहां से आ गई इसमें? हाँ भाई ये भी है विद्या बालन। ये कहां से इसको ये भी है इसके अंदर? बेवकूफ है दुनिया जो भूतों से डरती है। ओहो, लड़के ने डांस किया। भूतियों का तो फायदा उठाना चाहिए। स्मार्ट लग रहा है। आपके गले में क्या है? देखो पीछे कौन खड़ा है। इससे तो सीधा मौत होगी भाई। ये कौन है? छोटू? छोटे मियां, अपना छोटे मियां भी तो आ रहा है इसमें। छोटे मियां को भी ले लिया। सपने पे मेरा बस चलता तो तुम्हारे बारे में कैसे। डिमरी को भी आजकल बहुत मूवीज मिल रही है। एक नंबर के ठरकी होते हैं ना मैं आत्माओं से बात नहीं करता, आत्माएं मेरे अंदर आ भी जाती है। क्या कह रहे थे आप? मेरे संगमरमर की मूर्ति बनानी है? छोड़िए। इसने सेकंड वाली में भी ऐसी हरकत करी थी, लड़की आवाज निकाल के। आप इस राज्य के राजकुमार हैं। अभी राजकुमार हो गया। ये कैसे, मतलब स्टोरी अभी ना बहुत सस्पेंस में रखी है। पाप ही नहीं है ये, लास्ट मूवी में भी थे। पाखंडी में तो पा आता है। अरे ये तो पंडित जी तो पूरे स्पर्श से लेके अभी तक है ही। इतिहास के पन्नों में इसका जिक्र कहीं नहीं था कि अगर ये तूफान दोबारा एंट्री होगी विद्या बालन की। नहीं यार देखो फोन है अभी, कैरेक्टर ही इतने तो विद्या बालन तो है। हाँ नहीं दूसरी ही है इसमें। अरे विद्या बालन को दिखा। अरे रुको तो, विद्या बालन के अलावा भी है यार, ये दो है। मैं ये देखो, ओ ये कहाँ से आ गए माधुरी दीक्षित। पर मुझे यहाँ पे नागिन, देखो मुझे नागिन ज्यादा लगी है, भूतनी कम। आप तो डर गए। डरा के पूछ रहे, डर गए। मतलब हद हो गई यार इनके भी। ये लास्ट मूवी वाला, इसमें कहीं ऐसा सीन तो नहीं दिखाया कि दोनों लड़की लड़की एक दूसरे से प्यार करती है? ये देखो क्या सीन है, ये देखो ये 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 कौन चालू किया रे साहब? ये पता क्या है, मैं टन टन, ये नेटफ्लिक्स की जो आवाज होती है ना वो है। तभी बोला कि नेटफ्लिक्स कौन चालू किया, नेटफ्लिक्स कौन किया चाला। यार लेकिन क्या इमोशन है, मुझे ऐसा लग रहा है ट्रेलर देख के कि इतना। देखो आई एम कमिंग फॉर यू। इस वाले में लग रहा है कि अक्षय बाबू टक्कर दे दी। हाँ। पिछले वाले में इतना नहीं लग रहा था। दोनों जगह कैसे हंस रही हैं? गेट और बंद हो गया। यही सोच रहा है ना अब, इसमें तो देख के लग रहा है डरे हैं फिर। ऐसे
दिवाली पे धमाल होने वाला है इस बार। देखो कहाँ छोटी मियाँ को ले जा रहा है। अरे हमारी शादी होने वाली है भाई, आओ ऊपर आओ। वो कह रही है हमारी शादी होने वाली है, डर के भाग गया भाई साहब। यार मतलब मेरे लिए सबसे ज्यादा शॉकिंग था ना, सबसे पहले तो विद्या बालन ही शॉकिंग थी कि यार वो विद्या बालन कैसे आ गई। सेकंड तो माधुरी दीक्षित, और जो एक्सप्रेशन दिए ना स्टार्टिंग में उनकी आंखें देख के आपको लगेगा कि ये कोई नागिन का रोल कर रही है, लेकिन नहीं भाई, कर रही है वो चुड़ैल का रोल मंजुली का। ये देखना बाकी है इन दोनों का सस्पेंस कि इन दोनों की लड़ाई होती है या क्या इनकी स्टोरी है। ये तो पूरी मूवी ही आप लोगों को देखनी पड़ेगी, जैसे कि हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। वैसे ये इन्फ्लुएंसर को भी ले लिया, मतलब वो छुटकू सा छोटे मियाँ, मेरा तो फेवरेट है क्योंकि छोटे मियाँ की तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, छोटे मियाँ की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। क्योंकि भाई इन्फ्लुएंसर को लिया है तो मोस्टली क्या होता है, इसलिए लिया जाता है कि अपनी मूवी भी प्रमोट अच्छे से करा सके। लेकिन छोटे मियाँ ने भी अच्छा रोल किया है, कभी वो उनके कंधे पे लुढ़क जाते हैं, कभी वो उनके पीछे खड़े हो जाते हैं। हाँ सही है भाई, मतलब वो लड़का भी काफी टाइम से मेहनत कर रहा है तो वो भी डिजर्व करता है ये चीज। और यार ये चीज देखने के लिए थी कि मतलब इस बार थोड़ा मुझे ऐसा भी लगा कि थोड़ा तो हॉरर दिया है इसमें, वरना अधिकतर मतलब फर्स्ट वाली में और सेकंड वाली में इतना हॉरर नहीं लगा था। कॉमेडी 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 लास्ट में आके थोड़ा सा बस दिखा दिया। देखो भाई मैं रोकते हुए तुम्हें ये बोलूंगी कि अक्षय कुमार को बहुत ज्यादा मिस करते हैं लोग, उनकी कुछ बात ही अलग थी, लेकिन कार्तिक आर्यन ने पूरी टक्कर दी है अक्षय कुमार को इस वाले में, तो दी है बहुत ज्यादा दी। सेकंड वाले तो मुझे लग रहा था ओवर एक्टिंग कर रहा है, लेकिन नहीं इस वाले में दी है। अब देखो कैसा जाने वाली है मूवी, मेरे हिसाब से तो धमाल हो जाएगा क्योंकि ऊपर से दिवाली वाले टाइम पे कर रहा है यार, दिवाली वाले टाइम पे लोग इतने फ्री, हमारी भी टिकट करा लेंगे, हम भी देखने चलेंगे। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इसे देखने के लिए। सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये ट्रेलर रिएक्शन ना कि रिव्यू, ये भूलभुलैया 3 ट्रेलर रिएक्शन कैसा लगा कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। और अगर ये बिल्कुल थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दे, ताकि हमारे वीडियोस पे थोड़े से तो व्यूज़ आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी व्यूज़ तो आते नहीं है, तो शेयर कर दोगे तो थोड़े बहुत तो व्यूज़ आ जाएंगे। और जब ये मूवी देखने जाएंगे फर्स्ट शो ही देखने जाएंगे, तब हम मूवी का रिव्यू करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। चलो मिलते हैं एक नए रिव्यू के साथ में या फिर नए रिएक्शन के साथ में। बाय बाय।